ईश्वर को, अपने गुरु भगवान को जिसने दुनिया में सबसे निकट मान लिया, उसका सब डर खत्म हो जाता है, उसमें डर नहीं रहता। यम ब्रह्मो पश्यताम न वेदितो सर्वम वत्सो बाल समारंभम। 6 महीने के बच्चे को कोई डर नहीं है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कभी खेलते खेलते चूल्हे में हाथ जला लेते हैं, डर नहीं। इसीलिए बड़े हो जाएंगे तो डर रहता अग्नि से, चूल्हे से। छोटा बच्चा सांप को पकड़ लेता है खेलते खेलते, क्यों? क्योंकि वो इतना छोटा है, डर उसके नजदीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय वो पहले गुरु के सानिध्य में पूरी तरह निवास करता है। उसे गुरु माता कहते हैं, गुरु, गुरु माँ, पहला गुरु माँ है। बच्चा जब माँ के रूप में, उनकी गोद में, उनके आंचल में रहता है, तो आंधी का, बरसात का, भूख का, प्यास का सारा चिंतन, सारा भय खत्म रहता है। बच्चे की भूख की चिंता बच्चे को नहीं रहती। 10 बार माँ जाती है बच्चे के पास, पानी पिलाती है चम्मच से बार बार, नहीं प्यास होने पर भी पिलाती है, नहीं भूख लगने पर भी आंचल में लेती है, नहीं नींद आने पर भी सुलाने की कोशिश करती है। ये क्योंकि वो पूरी तरह माँ पर डिपेंड है, इसीलिए उसे फिक्र भी नहीं है। और जैसे वो बड़ा होता है, खुद नहाने लगता है, खुद कपड़ा पहनने लगता है, खुद थाली ले आता है, खुद खाने लगता है, तो उसके अंदर डर पैदा होने लगता है। माँ के ऊपर डिपेंड बच्चे को निर्भीकता होती है। ऐसी ही परमात्मा के, गुरुदेव के ऊपर जो डिपेंड है पूरी तरह से, उसको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है।